शादी का डिसीजन आपका अपना था या आपकी अरेंज मैरिज थी? बिल्कुल भी अरेंज मैरिज नहीं थी मेरा, वहीं से शुरू हुए मेरे अपने डिसीजन शादी से। कहाँ मिले आपको आपके हस्बैंड? कहाँ मिले, अब इतनी तफसील में जाओगी तो चले मुख्तसर बता दे कहाँ मिले थे। मशरकी, देखे ना हम क्या करें, जितने भी मॉडर्न हो जाए हैं तो दिल से मशरकी और दूसरे ही कि अब इस एज में आ गए कि अब अच्छा नहीं लगता उन बातों को दोहराना। कोई बात नहीं, अच्छा लगे पोते पोते कभी नहीं है, देखे ना बड़ा ब्राइट है। तो आपके लिए बताओ कि मैं हमेशा देखती हूँ कि व्हेन आई सी एन एल्डरली कपल स्पेशली कि बुजुर्ग हैं और माशाल्लाह दोनों घर हयात हैं और एक दूसरे का साथ है और वो मोहब्बत है, तो मैं कहती हूँ कितना अल्लाह का एहसान है लोगों पर। एक नया गोल आप सेट करते हैं उनको देखते हुए, इतनी जिंदगी गुजारने के बावजूद एक साथ रहने के साथ अभी तक इनमें ये मोहब्बत कायम है। तो आई थिंक इट्स एन अचीवमेंट। आप शर्मा क्यों रही हैं? और मोहब्बत फेड थोड़ी हो जाती है, अब बताएं। मेरा सोफा इधर आ गया। भाई वो मेरी फ्रेंड थी, उनके देवर थे। अच्छा अच्छा, वो शादी भी देखा होगा कहीं, फ्रेंड की शादी में, फिर आना मुझे ढोलक बजा रही होंगी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, सो टिपिकल, वही टिपिकल स्टोरी। नहीं टिपिकल स्टोरी नहीं, कि लेकिन टिपिकल खूबसूरत स्टोरी। बस फिर वहां से शुरू हो गया सिलसिला और फिर उसके बाद वहां पे कैसे हुआ, मुझे बताया रابطہ कैसे हुआ? उस वक्त मोबाइल फोन तो थे नहीं, उस वक्त रابطہ कैसे हुआ? मोबाइल तो थे ही नहीं, उन्होंने पर्ची का नंबर लिख के दिया, क्या हुआ? नंबर कहां, मोबाइल कहां थे उस वक्त? खाने में सालन डालते हुए आपको भी एक्स्ट्रा बोटी डाल दी। हां कुछ इसी तरह की, हां इसी तरह की कहानियां होती थी उस वक्त। तो बस यही कि लगता था कि हाँ कोई देख रहा है। हाँ। और उसके बाद ये कि क्या मुझे बाप की नजरें मिली, कहाँ जाना है मैंने? आप शादी करके आपने बच्चे पैदा कर लिए, मैं कहाँ जाऊँ भी ना, पूछो में मतलब मजा है। देखिए आप जो शर्मा रही, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आपके आगे पोता पोती जो है ना, वो कहेंगे देखिए कितनी अच्छी बात है कि हमारी दादी उस वक्त भी उन्होंने अपना डिसीजन जिंदगी का खुद लिया, वो पसंद करेंगे। अच्छा फिर उन्होंने अप्रोच किया कैसे? अप्रोच किया पहले तो जाहिर है मुझसे ही कहा, फिर अच्छा कमाल की बात ये देखो कि शादी जैसे कहते हैं ना कि ऊपर जोड़े लिखे होते हैं, मैंने कभी घर में कोई जिद नहीं की इस चीज़ की कि मुझे शादी यहीं करना है, लेकिन वो खुद बहुत पता नहीं कैसे रास्ते बनते चले गए और वो शादी खुद बखुद हो गई। खुद समझने लगे सब घर वाले तो, कि इसी से करना है इसे। हाँ। जबकि मैंने अपने मुँह से कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने उनके माँ बाप आए, बहन आई और सब आराम से हो गया, आराम, कोई फड्डा नहीं हुआ। थोड़ा सा हुआ। अच्छा क्या हुआ? थोड़ा सा हुआ। क्या फड्डा हुआ? फड्डा क्या हुआ, मतलब थोड़ा सा हमारे घर में ये था कि ये ससुराल वाले ये समझते थे कि थोड़े से ये खुले जहन थे, वो लोग इतने नहीं थे, तो बस ये थोड़ी सी वो थी कि ये एडजस्ट करेगी इस घर में आके, लड़की थोड़ी मॉडर्न है। हाँ, ये बस ये थोड़ा सा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई मुश्किल नहीं। हाँ तो लेकिन आपकी मियाँ ने स्टाइल लिया कि नहीं मैंने तो यही शादी करनी है, एक कुड़ी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने उनकी हर ख्वाहिश पे बिल्कुल सर झुकाया कि उनको ये शर्मिंदगी ना हो घर में कि वो कुछ कर नहीं सकती यहाँ पे। मैंने बताया ना कि उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं, मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ। सबसे पहले शौहर की कि उनकी बात जो है वो नीचे ना, हाँ उनकी बात नीचे ना, हाँ कि वो नहीं करेगी, नहीं एडजस्ट करेगी। लेकिन फिर मैंने उसी तरह से, और अम्मी से छुपाती थी क्योंकि अम्मी के घर में खाना पकाने वाले भी माशाल्लाह 5-5 नौकर घर में, और यहाँ पे ये कि सिर्फ औरतों को करना है सारे काम, अम्मी से छुपाती थी कि अम्मी को तकलीफ ना हो कि वो पराठे बना रही है तो रोटियाँ बना रही है। तो इस चीज़ को छुपा के मैंने बहुत आराम से मैनेज किया सब कुछ। वो ना कि जब मोहब्बत होती ना तो फिर आप सही सही बिल्कुल सही, आप बहुत सारी चीज़ें करना सीख लेते हैं क्योंकि आपको मोहब्बत का जो मान है ना, हाँ किसी चीज़ की फिर तकलीफ का एहसास नहीं होता। ये आजकल की लड़कियों को ना ये बात ज़रा जहन में रखनी चाहिए कि अगर आपकी मोहब्बत की शादी हो तो मियाँ का मान सलामत रखें। नहीं मोहब्बत की ना भी हो, ना भी हो, हाँ हाँ तब भी ये कि इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, वही जिंदगी का साथी है। लव मैरिज में ये होता है ना कि सारा कुछ आप ही ने करना है, जिम्मेदारी है, सारे दुख आपने सहने, आप घबराने सुनने, हम तो कह रहे थे, हम तो कह रहे थे। लेकिन आई थिंक इट्स नॉट जस्ट लड़की, आई थिंक लड़का हो बिल्कुल, ये वो रिश्ता है जो ताली दो हाथ से ही बजती है। बिल्कुल, तो जहाँ पर अगर आपकी लव मैरिज है या नहीं है, मैरिज तो है ना, तो कम से कम एक दूसरे का सहारा तो बने, दूसरे की सपोर्ट तो बने। ये भी मुझे लगता है कि आजकल क्योंकि बहुत कमी है इस चीज़ जो जिस जमाने में हम रह रहे हैं, आपकी बेसिक जो पहले लग्जरीज होती थी वह जरूरियात बन गई हैं। अगर आपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भी पढ़ाना है या आपने जो भी कुछ करना है, एक अच्छी निस्बतन बेहतर जिंदगी गुजारनी है, लाइफ इज एक्सपेंसिव, तो मियाँ बीवी अगर दोनों काम कर रहे हैं तो इसमें कोई
बुराई नहीं है, कोई आर नहीं महसूस करना चाहिए कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करें. बिल्कुल. थोड़ा घर में भी हेल्प कर दें, अगर बीवी भी थकी आ रही घर आ रही है ना उस. और पर फिर भी मैं कहूंगी लड़कियों को ये याद रखना चाहिए, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, घर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत की होती है, लेकिन मर्द को भी चाहिए हाथ बटा दे. हाँ, मर्द को भी चाहिए. अच्छा, मैं अपने बेटों से कहती हूँ, डांट के कहती हूँ कि वो कर रही है तो जाओ तुम साथ करो. ऐसी सास खवातीन हजरात, लड़कियों अगर आपकी शादी में दुआ करें आपको ऐसी सास जो कि एटलीस्ट आपके मियां को डांटेंगे तो सही ना कि चलो बीबी का हाथ बटाओ. ये कमेंट्स मुझे बहुत मिलते हैं कि अल्लाह ताला हमें ऐसी सास दे दे. आपके पास मेरे दो ही बेटे थे, होगी इनकी शादी, लेकिन बेटे खुश होते होंगे, देखे हमारी मांग कैसे दिन ब दिन बढ़ी. बहुत खुश होती हैं इस बात से. हाँ, बेटे तो क्या गेम खेल रहे हैं, अभी मुझे ये काम है, नहीं उठो तुम साथ करोगे. नहीं, मेरी तो सास, मैं कहती हूँ अल्लाह तआला को जन्नत नसीब करे, वो तो लिटरली मेरे मियाँ की शामत आती थी. अगर मैं किसी और बात पे भी अपसेट हूँ या रो पड़ी हूँ, कुछ हुआ तुमने ही कुछ किया होगा, वरना ऐसा क्यों करता है. मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बात भी नहीं की. बट शी वुड से नहीं, तुमने ही कुछ किया होगा. नबा, आप कितनी इंडिपेंडेंट थी अपने जिंदगी के अहम डिसीजंस लेने में? आई थिंक हम सबको, बहनों को, अम्मी अबू ने काफ़ी इस तरह से फ्रीडम दी थी कि कई बड़ी वेल डिफाइंड लाइंस थी और उनके आगे आपने नहीं जाना था. जैसे अम्मी कहा करती, बेटा अब इस उम्र तक हमने आपको सिखा दिया, आप 16 साल के हो गए. बिल्कुल. जितना अम्मी अबू बता सकते थे बता दिया, आप इसके बाद जो भी चीज़ करने लगो, जो भी डिसीजन लेने लगो जिंदगी में, एक सेकेंड के लिए रुक कर सोचना कि अम्मी से झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा और अबू शर्मिंदा तो नहीं होंगे. बस बहुत अच्छी बात, ये लाइंस रिफाइंड है. तो उसमें आई थिंक आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे को ही दे देते हैं. बिल्कुल. कि उसको वो जिम्मेदारी फिर निभानी पड़ती है, वो ट्रस्ट का जो फैक्टर है ना उसको निभाना पड़ता है. फिर आप ये नहीं कर सकते कि चोरी छुपे कुछ कर लिया, कि नहीं अगर अम्मी को पता चलेगा तो उनका दिल दुखेगा, अबू शर्मिंदा होंगे. तो आई थिंक वो बड़ा एक, आई यूज़ टू कॉल माई पेरेंट्स लिबरल कंजर्वेटिव्स, कि थॉट प्रोसेस बहुत लिबरल था लेकिन वैल्यूज बहुत कंजर्वेटिव थी. आई थिंक वो आपके लिए एक अच्छा बैलेंस रहता है. और शादी में भी मुझे लगता है कि जैसे आप कह रही है ना कि मैं तो कहती हूँ आई मैरिड माई बेस्ट फ्रेंड, अल्लाह ताला ने बहुत करम किया मुझ पर. वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स, और इस हद तक कि मेरा ख्याल है मैंने उनको दफा कहा, मैंने कहा आपको लगता होगा कि यही मुझे बर्दाश्त कर सकती है जिससे दोस्ती है, तो इसलिए आपने मुझसे शादी कर ली. लेकिन एक पॉइंट वो भी था कि मेरे अम्मी अबू मेरी बहनें कह रही थी कर लो ना, हाँ कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें. So I guess it was a love marriage. चलिए इस पे आते हैं. और अभी मुझे निदा आपसे भी exactly सेम सवाल करना है, लेकिन मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, क्या करूँ जी, मजबूरी है. छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं. तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और बड़े मज़े मज़े की बातें चल रही हैं ब्रेक के दौरान भी, क्योंकि समहाउ हमारी ब्रेक्स भी इतनी लंबी होती है कि हमें अच्छा एक मौका मिल जाता है बातचीत करने का. और ब्रेक में जाने से पहले मैं ये सवाल पूछी थी कि कितनी खुद मुख्तार, इंडिपेंडेंट अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने में. तो निदा पा आपसे मैं नहीं पूछ सकी कि आप कितनी खुद मुख्तार थी कि आपने जिस फील्ड का चुनाव करना है वो, उसमें आप खुद मुख्तार थी, शादी करने में आप खुद मुख्तार थी. यार क्योंकि मेरी फैमिली में बैकग्राउंड ऐसा था ना, अम्मा काम कर रही थी, सब लोग कर रही थी, तो बचपन से हम लोगों ने इसी माहौल में आँख खोली. और उस वक्त वो माहौल बहुत अच्छा था, मोहम्मद अली, वहीद मुराद, इन सबको बचपन से देखा हम लोगों ने, जिस तरीके से वो काम करते थे, ओहो सोच है आपकी, बड़े प्यारे लोग थे. अम्मा ने थोड़ा सा शोर तो मचाया था कि मत करो अभी तुम. मेरा इत्तफाक है, मुझे कोई शौक नहीं था. मैं अम्मा को पीटीवी का कुछ कर रही थी, तो निसार अंकल उस वक्त वो जीएम थे पीटीवी लाहौर के, तो मैं उनके साथ ऐसे ही गई, तो मुझे वो ग्लासेस लगाते हैं देखते, मुझे कहते हैं कुड़ी काम क्यों नहीं कर रही. अच्छा मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, मैंने कहा नहीं भाई मुझे नहीं काम वाम करना. मैंने कहा ये आप मुझे कहाँ ले आई हैं, मैंने कहा मुझे नहीं काम करना. नहीं, उन्होंने फ़ौरन किसी प्रोड्यूसर को बुलाया और उनका कि बस इसको ऑडिशन लो और आप इसको वो लॉन्ग प्ले करवाएं.